हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास विथ बेस्ट इंग्लिश स्कूल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग योर होमवर्क डेली। सो टुडे इन सेवेंथ स्टैंडर्ड वी आर गोइंग विथ मैथ सब्जेक्ट। इन मैथ्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5.1। सो एवरीवन, प्लीज टेक योर टेक्स्ट बुक विथ यू एंड ओपन द पेज नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन दिस क्वेश्चन यू हैव अ एंगल्स, यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? मींस हम जो एंगल होते हैं उनको प्लस करें तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। क्या आंसर होना चाहिए? 90 डिग्री। सो इट्स इज अ कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, हम उसको 90 डिग्री लाना है, तो अब वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं कैसे करेंगे। नंबर 1 इज 20, तो 20 डिग्री, तो वी विल राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 90 माइनस 20, 0, 7, 9 माइनस 2, 7, तो आंसर क्या होगा? 70 डिग्री। एकदम इसी है, ठीक है। उसके बाद 63, सेकेंड नंबर इज 63 डिग्री, तो व्हाट वी विल राइट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। 90 माइनस 63, 0, 3 नहीं होगा, 8, 10, 10 माइनस 3, 7, 8 माइनस 6, 2, सो आंसर इज 27 डिग्री। आफ्टर इट नंबर थ्री इज 57 डिग्री, 57 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। 90 माइनस 57, 8, 10, 10 माइनस 7, 3, 8 माइनus 5, 3, सो आंसर इज 33 डिग्री। ओके, सिंपल सा फंडा आपको क्या याद रखना है? कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसका टोटल जो है वो क्या होना चाहिए? 90। 70 प्लस 20, 90, 27 प्लस 63, 90, 33 प्लस 57, 90। अब आपको यहाँ पे एक एंगल तो दिया हुआ था ना डिजिट, तो हमने क्या किया, 90 में से उसको माइनस कर दिया, तो हमको दूसरे एंगल भी मिल गया, दोनों को प्लस किया तो 90 आ गया। सो ये क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लीमेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 इज फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सप्लीमेंट के लिए क्या याद रखना है आपको? 180 डिग्री। सप्लीमेंट में क्या याद होगा आपको? 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हमें फर्स्ट एंगल में क्या दिया हुआ है? 105 डिग्री दिया हुआ है, तो वी विल राइट सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 105, 180
-105. So 7, 10. 10 minus 5, 5. 7 minus 7, 7 minus 0, 7. 1 minus 1, 0. So 75 degree. Okay, same it is for number 2. Number 2 is a 87. So 87 and 87 degree is equal to 180 degree minus 87 degree. 180 minus 87. 7, 10, 10 minus 7, 3, 0, 17. 17 minus 8, write down, karo, 17 minus 8. 9. So, 93 degree. आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करके भी देख सकते हो. 7 प्लस 3, 10, 0, 1. 8 प्लस 1, 9. 9 प्लस 9, 18. ओके? एंड नंबर 3 इज 154 डिग्री. तो वी विल राइट सप्लीमेंट ऑफ 154 degree is equal to 180 minus 154 degree. 180 minus 154. 7, 10. 10 minus 4, 6. 7 minus 5, 2. 110. So 26 degree. Okay? सिर्फ सिंपल सा फंडा आपको क्या है याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 एंड सप्लीमेंट इज 180. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. नंबर 3 इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर द सप्लीमेंट्री. आपको यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं, आपको फाइंड करना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है. एकदम ईजी है, मैंने आपको बताया था अगर इन दोनों का प्लस 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 होता है तो सप्लीमेंट्री. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. नंबर 1, 65 डिग्री एंड 115. 65 प्लस 115. हमें कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या याद रखना था, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री के लिए हमें क्या याद रखना था, 180 डिग्री. ओके, चलो अब हम इसको प्लस करते हैं. 5 प्लस 5, 0, 1. 6 प्लस 1, 7. 7 प्लस 1, 8. और 8, तो ये क्या हुआ, 180 डिग्री. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री. क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्या हुआ, 180. 180 क्या है, सप्लीमेंट्री. सो ब्रैकेट में हम लिखेंगे ओके. नाउ कम टू द नंबर 2. नंबर 2 में 63 डिग्री एंड 27. 63 डिग्री प्लस 27. 7 प्लस 3, 10. 0, 1. 6 प्लस 1, 7. 7 प्लस 2, 9. तो 90 डिग्री हुआ. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री. Why? Because 90 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री. Now come to the number 3. Number 3 is 112 degree and 68 degree.
112 + 68 8 + 2 10 0 1 1 + 1 2 2 + 6 8 and 1 180 degree is supplementary. Now number 4 is 130 degree and 50 degree. 130 degree and 50 degree. So 130 plus 50, 0, 5, 6, 7, 8 and 1. It's also a supplementary. Okay, so now you have to do question number 5 and 6 yourself. अब तो आपको आएगा ना करना, एकदम इजी है. सिर्फ दोनों को प्लस करना है. अगर 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री. ओके, नाउ कम टू द नंबर 4. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एंगल. अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, एंगल फाइंड करना है कि जो क्या हो इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री. मींस अगर हम दोनों का प्लस करें तो वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. सो सपोज ब्लैंक प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 90 डिग्री. इस तरह से होना चाहिए. अब यहां पे मैं लिखती हूं x. लेट मी राइट देयर x. सो x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री. x प्लस x 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, 2 को इसके नीचे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 19/2. सो x इज इक्वल टू 2 को 90 के साथ डिवाइड करो, 45. तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 45. तो ये इस तरह से हो सकता है, 45 + 45 = 90 degree. ओके, हमें यहाँ पे सपोज क्या किया है, हमने वैल्यू कौन सी सपोज की, x. तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 45. नाउ नंबर क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट. क्वेश्चन नंबर 5 किसके लिए है हमारे पास, सप्लीमेंट के लिए. सो सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देयर इज अ लाइक ब्लैंक माइनस ब्लैंक इज प्लस इज इक्वल टू 180. ब्लैंक प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 180. तो हम यहाँ पे फिर से क्या सपोज करेंगे, x. लेट मी राइट देयर x. सो x प्लस x इज इक्वल टू 180. x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180. अब हम क्या करेंगे, 2 को 180 के नीचे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 180/2. सो x इज इक्वल टू 90. तो ये किस तरह से बनेगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. है ना, एकदम इजी. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 समझ में आ गया होगा. उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो. कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्टिव ऑब्ट्यूस एंड राइट. चलो हम इसको सॉल्व करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। नंबर 1 में हमें दिया हुआ है एक्टिव, नंबर 2 इज ऑब्ट्यूस एंड नंबर 3 इज राइट। सो अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है, वन एटी डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्टिव मींस क्या होता है, कौन से एंगल, वन डिग्री टू 89 डिग्री इज इक्वल टू एक्टिव एंगल। ओके, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे 189 लेती हूँ, 180 माइनस 89 तो 7, 10 माइनस 9 1, 7 प्लस माइनस नहीं होगा 0, 17 माइनस 8 91। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 91 डिग्री, तो ये तो क्या हुआ, एक्टिव से ज़्यादा हो गया, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। देखो मैं फिर से समझाती हूँ आपको, एक्टिव एंगल मीन्स इसमें डिग्री कौन सी होती है, 1 डिग्री टू 89 डिग्री, 1 डिग्री टू 89 डिग्री। आप इसमें से कोई सा भी एंगल ले सकते हो, मैंने लिया 89, हम क्या करेंगे 89 को 180 में से 89 को माइनस करेंगे, 0 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, 7, 10, 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 8 0, 17, 17 माइनस 8 91, तो आंसर क्या आया 91। हमें कहाँ तक चाहिए था, 89 तक, अगर 89 के अंदर तक आता तो ये एक्टिव एंगल हो जाता, तो यहाँ पे हम यस लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आया 91, ये पॉसिबल नहीं है सप्लीमेंट्री के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, नो। सेम इट इज़ फॉर ऑप्टिव्स। अब ऑप्टिव्स एंगल मीन्स क्या होता है, 91 डिग्री टू 179 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्टिव्स, 91 डिग्री टू 179 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्टिव्स, यानी 91 से 179 के बीच में जितने भी एंगल है वो सारे क्या है, ऑप्टिव्स। अब इसको हम क्या करेंगे, अभी है मैं यहाँ पे 91 लेती हूँ, तो 180 माइनस 91 7, 10, 10 माइनस 1 9 0, 17, 17 माइनस 9 करो 8, 89 डिग्री हुआ, क्या पे यहाँ पे क्या आया 89 डिग्री, ये 91 से क्या है, कम है, तो मीन्स ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। अब थर्ड नंबर है राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, दोनों हो गया, यानी ये क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस। आया समझ में, आई होप आप समझ गए होगे। यहाँ पूछा क्या था, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर एक्टिव, एक्टिव होगा तो नो, ऑप्टिव्स होगा ऑब्वियसली नो, एंड राइट यस। ओके, सो इन होमवर्क यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 इन योर नोटबुक। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो विद द अदर क्वेश्चन आंसर। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू योर होमवर्क डेली। बाय।